हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने अपने घर में सेफ होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था कि भाई मैंने चेक इन कर लिया था अपने हॉस्टल में एंड मैं रूम में भी आ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉग एंड करने के बाद मैं नीचे गया रिसेप्शन पे, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। फिर जो हॉस्टल के स्टाफ मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे टूर भी करवाया था कि क्या नाम है, हर चीज़ें दिखाई थी यहाँ पे हॉस्टल पे। जो जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे रूफ टॉप कैफ़े भी है एंड ऊपर पूल टेबल है, रात को बॉनफायर होता है, पार्टी वगैरह होती है, और एक वो भी है, क्या कहते हैं उसमें, आंगन टाइप है एक। उन्होंने मुझे बताया कि इसे आंगन कहते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंट है एंड काफ़ी अच्छा है। अभी मैं सो गया था, अब बज रहे हैं 11:30। अभी मैं सो के उठाऊँ, क्योंकि देखो बस में मैं आया था, बस में मैं सोया था, लेकिन वही है ना, बस में नींद बीच बीच में खुलती रहती है तो मैं अच्छे से सो नहीं पाया। तो यहाँ पे आके मुझे नींद आ रही थी, और सच में मुझे अभी भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, बट नहीं, अब मैं उठ चुका हूँ एंड मैंने अपना खाने का ऑर्डर दिया है। बट खाना जो है वो रूम में नहीं आएगा, वो मुझे जाना पड़ेगा ऊपर कैफ़े पे, तो मैं वहाँ जाकर खाना खाऊंगा। तो उससे पहले फ़िलहाल मैं नहा लेता हूँ, पानी गर्म है, इतने में नहा धो के रेडी होता हूँ, फिर मुझे ऊपर भी जाना है, इतने में जो मैंने ऑर्डर दिया है खाना वो भी बन जाएगा। तो गाइस, नहा धो के मैं हो चुका हूँ रेडी, बस अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा रूफ पे, क्योंकि यहाँ पे है रूफ टॉप कैफे। तो अभी मेरे पास फ़ोन भी आया था कि भाई आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो भाई इतने मैं नहा भी लिया और तैयार भी हो गया, तो बस चलो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। Later. अभी हमने ये स्कूटी रेंट पे ली है, क्योंकि उदयपुर घूमने के लिए अभी फ्यूल अप करवा रहे हैं, इसमें फ्यूल भी नहीं है एंड अभी टाइम हो रहा है 1:30, और ये हिमांशु भाई है हमारे साथ, ये हमको उदयपुर घुमाएंगे। वो सामने जो वहाँ पे बीच में वो है, वहाँ उसकी शादी हुई थी, क्या नाम, रवीना टंडन की शादी वहाँ हुई थी एंड जो शकीरा है, जो शकीरा जो हॉलीवुड पॉप सिंगर है, सिंगर। हाँ हॉलीवुड पॉप सिंगर है, उनका शो भी वहीं पे हुआ था। उनका शो कब हुआ था वहाँ पे? उनका शो 2014 समथिंग हुआ था, अच्छा, 2014 में हुआ था। एंड राखी सावंत की शादी कहाँ पे हुई थी? राखी सावंत की शादी फतेहगढ़ पैलेस जस्ट सामने की साइड है, अच्छा। फतेहगढ़ पैलेस। यहाँ से दूर तो बहुत बहुत ज्यादा दूर है, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये सेंटर पॉइंट बोर्ड के सामने। वो हाँ बोर्ड, हाँ यहाँ से दिखेगा नहीं, दूर काफी है बोर्ड वो। से टच में। हाँ, वो नहीं, पॉइंट काफी दूर है। तो ये देखो, ये है पिचोला लेक, यहाँ से इसकी एंट्री है और ये यहाँ से इसका व्यू है, काफी सुंदर और काफी बड़ी लेक है। तो अभी जाते हैं हम इन भाई के साथ आगे, आगे देखते हैं और आगे क्या क्या चीजें हैं। आगे बोटिंग पॉइंट है सर। अच्छा, आगे बोटिंग पॉइंट है। बोटिंग पॉइंट बना हुआ है, सामने की साइड है ना, बड़ी पाल बनी हुई है, सिटी प्लेस का एंट्री गेट है। अच्छा, वहाँ से वीआईपी लोग एंटर करते हैं। वीआईपी लोगों के जो एनआरआई आते हैं ना, उनका एंट्रेंस गेट बना हुआ है। अच्छा, वहाँ अलग से है, एनआरआई का है सारा। अच्छा अच्छा, और प्लस जो ऑफिस वर्क करने आते हैं वो भी इधर से निकलते हैं, सामने की साइड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो अभी हम हैं रोपवे पे, ये हमें कहाँ लेके जाएगी बताओ आप? सर यहाँ से अपन करनी माता रोपवे के लिए चढ़ाई करेंगे, करनी माता टेम्पल दर्शन करेंगे, वहाँ उसके दर्शन पास करके। में
एक दरगाह बनी हुई है, वो दरगाह के दर्शन करेंगे, फिर वहां से अपन फुटेज शूट करेंगे। वो फुटेज शूट करने के बाद यहाँ की जो चारों ओर से किला यानी पैक हुआ करता था ना, उसकी जो दीवारें बनी हुई है उस दीवारों पे चलेंगे। वहां से अपन फोटो शूट करके वापस रिटर्न होंगे नीचे के लिए। अच्छा, तो यहाँ से ये व्यूएस का मतलब हमें कितनी देर लग जाएगी अभी यहाँ से? 5 मिनट का चढ़ाई है ये। 5 मिनट का है? यस। और वापस उतरना है यानी 5 से 10 मिनट और ऊपर, मान के चलो 5 से 10 मिनट तो लगता ही है सर। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, अभी हम निकलते हैं। चलो 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 चलो। अभी कहाँ जाना है हमें? यहाँ से मंदिर का रास्ता यहाँ से है? हाँ, किले मंदिर एंड दरगाह का रास्ता। अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा? मतलब कितना चलना पड़ेगा यहाँ पे हमें? यहाँ से अपने को 400 मीटर की दूरी पर पड़ेगा। अच्छा, 400 मीटर? 400 मीटर की दूरी है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से ऐसा व्यू है, व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू है भाई साहब, ऑलमोस्ट पूरा उदयपुर दिख रहा है ना? यस सर, ये पूरी पिछोला लेक दिख रहा है यहाँ से। हाँ हाँ, और आगे पूरा उदयपुर सिटी। यस, ऊपर से और बढ़िया दिखेगा। अच्छा, ये करनी टेम्पल है? यस सर, करनी माता का मंदिर। मुख्य मंदिर जो है वो उधर की साइड स्थापित है। अच्छा, ये अभी वर्क चल रहा है, पूरा मार्बल से कनेक्ट हो रहा है मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा मार्बल से कनेक्ट हो रहा है। ये शिव टेम्पल बना हुआ है, उसका मुख्य जो पहले जो स्थान ये है शिव टेम्पल मंदिर, मुख्य माता जी का मंदिर ये है, उनके पगली है मुख्य माता जी का मंदिर ये है। अभी उनको स्थानांतरित किया गया है। श्री करनी माता जी के पैर है, चरण है। अच्छा अच्छा, चरण है, करनी माता के चरण है। दर्शन कर लेते हैं थोड़ी देर। यस सर। ओके ओके, तो अभी हम दर्शन करते हैं मंदिर के। हम यहाँ पे आगे शिव मंदिर भी है ना? आगे शिव मंदिर भी है, प्लस यहाँ पर अलग व्हाइट कलर के वो भी है, माउस भी है करनी टेम्पल में, बीकानेर के जो टेम्पल में जैसे कि माउस है ना। तो अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, माता के शरीफ जा रहे हैं। हाँ, अभी हम जा रहे हैं दरगाह। यहाँ से दरगाह हमें पड़ेगी 200 मीटर दूर, तो ये ऐसा ही रास्ता है। हाँ, ये मंदिर के भी, अच्छा वो उधर ही है? यस सर। हाँ, तो उधर ही है, अभी हम दरगाह जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे मैं दरगाह लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। A few inches later, अभी हम दरगाह से होके आ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं शहर कोट, उदयपुर की शहर कोट जा रहे हैं। अभी हम यहाँ से उतरेंगे नीचे, उसमें रोपवे में बैठ के, रोपवे में नहीं बैठा, रोपवे में बाद में बैठेंगे, पहले शहर कोट। अच्छा, फिर पहले हम शहर कोट जाएंगे, उसके बाद रोपवे में बैठ के फिर हम नीचे जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं शहर कोट, ये है शहर कोट का रास्ता, और यहाँ पे लिखा हुआ ये सिटी वॉल शहर कोट। यहाँ से जाएंगे अभी हम ऊपर, इधर टॉप फ्लोर। तो अभी हम आ गए हैं शहर कोट, देखो आप लोग मैं कितना ऊपर हूँ, मतलब यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा है। देखो आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा चारों तरफ। अभी मुझे यहाँ से कोई भी जगह ऊपर नहीं लग रही, कोई जगह यहाँ से ऊपर हो, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर उदयपुर का यही है। हाँ, ये देखो चारों तरफ ये पिछोला लेक।
उससे जस्ट बैक साइड में जो है वो गोवर्धन सागर लेक है। अच्छा, वो गोवर्धन सागर लेक, वो गोवर्धन सागर लेक, ये पिछोला लेक, इसके बाद आती है स्वरूप सागर लेक, स्वरूप सागर लेक, फिर फतेह सागर लेक। अच्छा अच्छा, चार लेक। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ चल चल के, अभी थोड़ी देर 5 मिनट यहाँ पे बैठे थे, प्यास पे लग गई, पानी भी नहीं है, अभी जाएंगे नीचे। अब यहाँ पे हमारा पूरा हो गया ना, यहाँ सारा पूरा हो गया सर। तो चलो अभी हम जाते हैं नीचे यहाँ से उतर के, ये देखो यहाँ से रेस्टोरेंट जाएंगे यहाँ से, हाँ। वहाँ पानी पियेंगे, उसके बाद वहाँ से उसके बाद चौकन लेके वापस रोपवे से नीचे उतरेंगे, रोपवे से नीचे उतर जाएंगे। One eternity later. हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं इसलिए हम वापस जा रहे हैं मुसाफिर हॉस्टल, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कहीं और, क्योंकि सच में इतना ज्यादा चलना उतरना काफी थक गए हमको, 3-4 घंटे हो गए हैं। सो गाइस, मैं आ गया अपने रूम में, थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि काफी थक चुके हैं हम। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो मेरे पास 3-4 दिन हैं, काफ़ी दिन हैं, तो शायद जाऊँगा आज, मेरे बाहर पक्का नहीं है क्योंकि अभी मैं पहले ही काफ़ी घूम चुका हूँ, वहाँ पे चढ़ना मेरे को काफ़ी पड़ा ना, तो काफ़ी थक गया मैं, तो मैं सोच रहा हूँ शायद मैं जाऊँगा बाहर दोबारा, बस बाहर कैफ़े वगैरह जाऊँगा, मतलब कहीं जगह एक्सप्लोर करने, जैसे कोई भाई सिटी पैलेस वगैरह हो गई या कोई और लेक हो गई, वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल जाऊँ क्योंकि आज मैं अब थक गया काफ़ी। एक तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी ना मेरी बस में यार, बस में वो बात नहीं, बेशक सो गया था मैं बट वो नींद नहीं आई। तो फिलहाल तो मैं आ गया हूँ रूम में, मैं थोड़ा करता हूँ मैं रेस्ट। सो गाइस, रेस्ट मैंने कर लिया है, मतलब अराउंड एक घंटा 10 मिनट के अराउंड मैं सो गया था। मुझे फिर से नींद आ गई थी लेट थे, क्योंकि मैंने बताया आपको जैसे कि बस में भी ढंग से नींद पूरी नहीं हो पाई थी, और फिर सुबह यहाँ पे मैं सोया भी था बट उसमें भी नींद पूरी नहीं हो पाई। तो अभी मैं सो के उठा हूँ, तो गाइस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके मतलब शेयर कर दें, हर जगह शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको शेयर करें, बट आप शेयर करते नहीं हो, कोई नहीं, धीरे धीरे करोगे। और कमेंट भी करें वीडियो पे, बताना कि क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा, और वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमी भी बताना कि भाई राहुल ये कमी है इसे ठीक कर, तो हाँ भाई मैं हर कमी ठीक करूँगा, और जो चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में भी कमेंट करें, तो इससे ये ना कि भाई मुझे भी पता लगा कि हाँ भाई जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कि भाई क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जिससे मैं अपनी चीज़ों में सुधार लेके आऊँ, ठीक है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं, प्लीज़ लाइक करना अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो, एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने कोई नई वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। We'll be right back.